सफलता किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती। सफलता के लिए सिर्फ जरूरी है जोश और लगन। व्यक्ति अपनी मेहनत और जोश के दम पर बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। आजकल अक्सर देखा जा रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स अक्सर एक या दो बार असफल होने के बाद नर्वस हो जाते हैं, वह अपना संतुलन खो बैठते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि अगर वह सफल ना हुए तो जिंदगी में क्या कर सकेंगे, उन्हें आगे का रास्ता नहीं सूझता। लेकिन इन सभी सोच पर अंकुश लगाने का काम किया है 2018 बैच के IAS रवि कुमार सिहांग ने। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए रवि कुमार सिहांग की सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं, जिसे देखकर आप भी प्रयास करने की उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपकी किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। रवि ने शुरुआती पढ़ाई अपने गाँव के सरकारी स्कूल से पूरी की। उनके पिता का सपना जरूर था कि बेटे को एक बड़ा अफसर बनाना है, लेकिन खेती किसानी में इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि उन्हें किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया जा सके। इसलिए रवि की शुरुआती पढ़ाई उनके गांव में ही पूरी हुई। वर्ष 2015 में रवि ने अपने जिले से ही ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। वजह थी उनकी बहन की शादी, जिसकी जिम्मेदारी संभालने के लिए पिता के अलावा घर में सिर्फ रवि ही थे, इसलिए मजबूरी में उन्हें एक साल तक घर में रहना पड़ा। बहन की शादी के बाद रवि ने अपने पिता को सिविल सर्विस की तैयारी करने की अपनी इच्छा बताई, जिसे सुनकर उनके पिता तैयार तो हो गए, लेकिन उसमें खर्च कितना आएगा ये सोचकर वह चिंता में पड़ गए। उस समय उनकी सालाना आय लगभग 50,000 रुपए थी। उसी 50,000 में खेती किसानी के अलावा घर भी चलाना था, लेकिन रवि के पिता ने बेटे को तैयारी के लिए दिल्ली भेजने का निर्णय ले लिया। रवि ने 2 साल तक दिल्ली में रहकर सिविल सर्विस की तैयारी की। रवि को हिंदी मीडियम से पढ़ाई के चलते तैयारी में कुछ समस्या जरूर आई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जिसके बाद साल 2018 में रवि ने पहली बार UPSC का एग्जाम दिया, जिसमें रवि ने पहले ही प्रयास में सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक कर लिया। उन्हें 337वीं रैंक मिली। रवि के सिविल सर्विस क्रैक करने के बाद उनके परिवार और उनके गांव में लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। लोग इस बात की तारीफ कर रहे थे कि अभावों में रहते हुए रवि ने पहले ही प्रयास में ये मुकाम हासिल कर लिया। UPSC की परीक्षा दे रहे प्रतिभागियों को ज्यादातर यही चिंता रहती है कि अगर वह हिंदी मीडियम से खड़े हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत आने वाली है और उनके आत्मविश्वास का स्तर भी गिर जाता है, जबकि यह धारणा सही नहीं है, क्योंकि हिंदी मीडियम हो या अंग्रेजी मीडियम, उससे फर्क नहीं पड़ता, मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है। IAS रवि कुमार की प्रेरणादायक कहानी और उनके सुझावों से UPSC परीक्षा दे रहे सभी प्रतिभागियों को सीख मिलती है कि इस परीक्षा के बारे में फैली हुई गलत बातों पर ध्यान न देकर पूरी मेहनत से तैयारी करेंगे तो आपको आपका लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर हमें बताएं। दोस्तों, अब आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।